नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास का संक्षिप्त विषय जो है एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि एक किताब आपका वन लाइनर है महेश बर्नवाल की और काफी बेहतरीन किताब है। और इस किताब में आपका सारा इतिहास कवर किया गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास। ठीक है, तो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। और प्राचीन इतिहास का आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका चालकोलिथिक एज, मतलब कि ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ताम्रपाषाण ऋषभ संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 होगा आपका। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है चैप्टर 3 अध्याय 3। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां। तो धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाण कैल्कोलिथिक या चालकोलिथिक कहते हैं। इस युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तो धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ और पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाणकाल चालकोलिथिक कहते हैं। इस युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दो पुरास्थल, पहला आहार और दूसरा गिलुंद प्रमुख है। तो भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दो पुरास्थल, पहला आहार और दूसरा गिलुंद प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह था। आहार संस्कृति का काल निर्धारण 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। तो आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह था। आहार संस्कृति का काल निर्धारण 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद आहार संस्कृति, तो गिलुंद आहार संस्कृति का ध्यानिक केंद्र माना जाता है। गिलुंद से पक्की ईंटों का साक्ष्य तथा बालाथाल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। तो गिलुंद आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद से पक्की ईंटों का साक्ष्य तथा बालाथाल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरन का उत्खनन हुआ है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरन का उत्खनन हुआ है। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। तो सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए, जिसके प्रमुख पुरास्थल आपके जो हैं, एक मिनट, पुरास्थल अहमदनगर जिले में ज्वारवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश तथा नासिक स्थित है। ठीक है, जबकि नासिक गोदावरी नदी की सहायक प्रवाह के बाएं तट पर स्थित एक पुरास्थल है और ये सभी पुरास्थल द्वारवे संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा आपका यहाँ पर पश्चिमी मध्य, सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए, जिसके पुरास्थल अहमदनगर जिले में ज्वारवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश तथा नासिक स्थित है। जबकि नासिक गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा के बाएं तट पर स्थित है एक पुरास्थल है। ये सभी पुरास्थल द्वारवे संस्कृति से संबंधित है। अनेक ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। तो अनेक ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल चिरांद के अतिरिक्त वर्धमान जिले के पांडू राजा डीवी और पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में महिष स्थल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो आपका जो है अनेक ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल चिरांद के अतिरिक्त वर्धमान जिले के पांडू राजा डीवी और पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में महिष स्थल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणिक स्थल है। बिहार में सिनुवार, सोनपुर और ताराडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन भी प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल है।
तो बिहार में जो है आपका शेनुआ, सोनपुर और ताराडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और सरनरहन भी प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल है। हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण युग के स्थल। तो आपका ताम्रपाषाण युग के स्थल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आपका देखिए यहाँ पर बलूचिस्तान है, सिंधु है, राजस्थान है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। तो ये आपका 5 इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। उसके अंदर जो भी आपका देखेंगे तो बलूचिस्तान, सिंध या सिंधु, फिर राजस्थान है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। तो बलूचिस्तान में जो आपका ताम्रपाषाण युग है उसको बोलते हैं बलूचिस्तान सभ्यता, ठीक है। तो बलूचिस्तान में जो आपका ताम्रपाषाण युग है उसे बोलते हैं बलूचिस्तान सभ्यता। और इसका जो नाम है यहाँ पर तो मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ में आपका नाल, कुल्ली और पेटा जगह है। तो मेहरगढ़ में आपका नाल, कुल्ली और पेटा जगह है ताम्रपाषाण युग के। और सिंधु में आपका जो है आमरी सभ्यता है, तो सिंधु में आपका ताम्रपाषाण युग को आमरी सभ्यता बोलते हैं, आमरी जगह पर। और एक और आपका सिंधु में जगह जिसे बोलते हैं कोट डिजियन सभ्यता, कोट डिजियन सभ्यता, ठीक है। तो कोट डिजियन सभ्यता है आपका सिंधु में। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, तो राजस्थान में उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जगह है। तो उत्तर पश्चिमी को बोलते हैं सोफी सभ्यता, जो कि कालीबंगा में है। तो राजस्थान में उत्तर पश्चिमी जो आपका जहाँ पर जगह है कालीबंगा, उसको बोलते हैं सोफी सभ्यता। उत्तर पूर्वी में आपका है गणेश्वर, उसे बोलते हैं गणेश्वर सभ्यता। और दक्षिण पूर्वी में जगह है बनास सभ्यता, उसका जगह है आहार ऑफ मिलुंद। तो उत्तर पश्चिमी में जो सोफी सभ्यता है, राजस्थान के उत्तर पूर्वी में गणेश्वर सभ्यता है, और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी में आपका बनास सभ्यता है। और सोफी सभ्यता में कालीबंगा आएगा, गणेश्वर सभ्यता में गणेश्वर जगह आएगा, और बनास सभ्यता में आहार व मिलुंद आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में दो सभ्यता है, एक है आपका सवालदा सभ्यता और एक आपका जोरवी सभ्यता। तो सवालदा सभ्यता में जोरवी जगह आएगा, और जोरवी सभ्यता में जोरवी आएगा दैमाबाद, इनामगांव, देवासा और सुंगाबोन आएगा, ठीक है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में दो सभ्यता है, सवालदा सभ्यता और जोरवी सभ्यता। सवालदा सभ्यता जोरवी में है, ठीक है। और जोरवी सभ्यता में जोरवी है दैमाबाद, इनामगांव, देवासा और सुंगाबोन है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपका एक सभ्यता है जिसका नाम है मालवा सभ्यता। तो मालवा सभ्यता आपका वहां पर जगह जो है दंगवाड़ा और कायथा है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा सभ्यता है, और वहाँ का नाम है जगह का दंगवाड़ा और कायथा। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक जो सभ्यता का नाम है ताम्रपाषाण युग की सभ्यता का नाम है उत्तर प्रदेश में ऑर्चर कलर्ड पॉटरी सभ्यता। ऑर्चर कलर्ड पॉटरी सभ्यता है, और उत्तर प्रदेश का जो ऑर्चर कलर्ड पॉटरी सभ्यता है इसका जगह का नाम है अतरंजी खेड़ा, ठीक है। तो अतरंजी खेड़ा जगह जो आपका उत्तर प्रदेश में, जो कि ताम्रपाषाण युग के स्थल है, और इसे अतरंजी खेड़ा को लाल किला सयाही भी बोलते हैं, या वहाँ पर एक जगह लाल किला सयाही है, ठीक है। तो हमने पढ़ा आपका ताम्रपाषाण युग के स्थल। तो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान सभ्यता, सिंधु में आमरी सभ्यता, कोट डिजन सभ्यता, राजस्थान में सोफी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बनास सभ्यता, पश्चिमी महाराष्ट्र में सवालदा सभ्यता, जोरवे सभ्यता, पश्चिमी महाराष्ट्र में मालवा सभ्यता, उत्तर प्रदेश में ऑर्चर कलर्ड पॉटरी सभ्यता, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे हमारा है ताम्रपाषाण कालीन स्थल। तो आपका ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ है? तो इनामगांव आपका महाराष्ट्र में, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में, नवदा टोली मध्य प्रदेश में, देवासा है महाराष्ट्र में, और ताम्रवती आपका राजस्थान में, ठीक है। तो आपका इनामगांव, दैमाबाद, देवासा महाराष्ट्र में है, ठीक है। और नीचे देखते हैं, बस इतना ही अभी दिया है, इसी को पढ़ते हैं। तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल इनामगांव महाराष्ट्र में, और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य जो मिले हैं वो क्या है? तो इनामगांव से यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकानों व गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। एक मिनट, इनामगांव महाराष्ट्र में जो आपका जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं ताम्रपाषाण कालीन के वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकानों व गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र से क्या है? तो यह स्थल प्रबला नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से तांबे की चार प्रमुख वस्तुएं, रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, सांड, गैंडा की आकृतियाँ प्राप्त हुई है, और यहाँ से कलश सावधान के प्रमाण मिलते हैं, और कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिलता है, और यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो दैमाबाद महाराष्ट्र है, यह स्थल प्रबला नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से तांबे की चार प्रमुख वस्तुएं, रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, सांड, गैंडा की आकृतियाँ प्राप्त हुई है,
और यहाँ से कलश सावधान के प्रमाण मिलते हैं, कलश घरों के फर्श नीचे रखने का प्रमाण मिलता है और यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश, तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में क्या, तो इसका उत्खनन HD सांकालिया द्वारा किया गया और यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है और इस स्थल से चित्रित काले मृदवांड मिले हैं, तो इसका उत्खनन HD सांकालिया द्वारा किया गया और यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है, इस स्थल से चित्रित काले मृदवांड मिलते हैं। निवासा महाराष्ट्र, निवासा महाराष्ट्र पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं, तो निवासा महाराष्ट्र पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती राजस्थान, तो ताम्रवती राजस्थान से क्या है, तो यहाँ से प्राप्त काले मृदवांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए हैं, तो यहाँ से प्राप्त काले मृदवांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए हैं, ठीक है। तो निवासा महाराष्ट्र पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती राजस्थान, यहाँ से प्राप्त काले मृदवांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए हैं। नेक्स्ट आपका है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे तथा हिरण का शिकार करते थे। तो आपके ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे और वे गाय भेड़ बकरी सुअर और भैंस रखते थे तथा हिरण का शिकार करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग गेहूं और चावल उपजाते थे और इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि के अतिरिक्त कई दलहनी फसलें भी पैदा करते थे। तो ये लोग गेहूं और चावल उपजाते थे और इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि के अतिरिक्त कई दलहनी फसलें भी पैदा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित थे, तो ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित थे परंतु इनका प्रयोग कभी कभी ही होता था। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 294 स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। और यह लगभग 20 सेक्टर में विस्तृत है जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। तो अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 294 स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है और यह लगभग 20 सेक्टर में विस्तृत है जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। दैमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांस्य की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। तो दैमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांस्य की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन स्थित है जिनमें नाम हुआ ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई है। तो दैमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांस्य की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन थे जिनमें नाम हुआ ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है और इसमें 100 से अधिक घर और उनके अनेक कब्रें पाई गई है और यह बस्ती किला बंद है तथा जो है घाई से घिरी हुई है, ठीक है। महाराष्ट्र में लोग मृत की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। तो महाराष्ट्र में लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ दिशा में दफनाते थे। मिट्टी के अस्थि मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो मिट्टी की अस्थि मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण विधि से सुपरिचित थे। तो ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण विधि से सुपरिचित थे। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ आकृतियां यह सूचित करती है कि वृषभ शाण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। तो मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ आकृतियां यह सूचित करती है कि वृषभ शाण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। तो कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राजस्थान में केतरी ताम्र पट्टी के शिखर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट प्रसिद्ध है। तो गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राजस्थान में केतरी ताम्र पट्टी के शिखर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित है। नेक्स्ट आपका है अगला लाइन है। तो इस क्षेत्र में खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर के नोक, बर्चे की फाल, बस्तियां, सेलेक्ट,
कंगन छेनी आदि है। तो इस क्षेत्र में खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर के नोक, वर्षे के फाल, बस्तियां, सेलेट, कंगन छेनी आदि है। तो कहाँ से? तो गणेश्वर नामक स्थान से। ठीक है, गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो गणेश्वर जो था, जो आपका हड़प्पा काल था, उसमें जो है तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। और गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। तो गणेश्वर के जो लोग थे वो अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई, तो प्री हड़प्पा और ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। ठीक है, तो गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई है। तो गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, और जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई है। यहाँ से गौरिक रंगीन मृतभट, तो ओसीपी ऑर्चर्ड कलर प्रिंट, ठीक है, पोर्टर के साक्ष प्राप्त हुए थे। तो यहाँ से गैरिक रंगीन मृतभट ओसीपी के साक्ष प्राप्त हुए आप गणेश्वर से। नेक्स्ट आपका है कायथा संस्कृति। तो आपका कायथा संस्कृति क्या है? तो जो कि आपका राजस्थान में है, तो लगभग 2000 से ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। इसके मृतभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण है और साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देते हैं। तो कायथा संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है और इसके मृतभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण है और साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देते हैं। नबदा टोली, तो नबदा टोली एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। तो नबदा टोली एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। अनेक प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदाय के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई तथा इसे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय में सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए। तो अनेक प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई तथा उससे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए। नेक्स्ट लाइन है आपका, ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंह के बाढ़ वाले मैदान की ओर बढ़े तथा कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। तो ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े तथा कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई, खत्म हो गई, लेकिन केवल आपके जो है जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। तो भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व में आते आते लुप्त हो गई, केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाए जाते हैं। तो सोने के जो आभूषण है वो केवल आपके जोरवे संस्कृति में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका है प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। तो आपका जो भी प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कायथा संस्कृति। तो कायथा संस्कृति की अवधि जो थी, तो इसका जो जो समय था वो 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व के बीच में था। मालवा संस्कृति का 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व में था। आहार संस्कृति का 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। प्रभास संस्कृति का 2000 से लेकर 1400 ईसा पूर्व। सवालदा संस्कृति का 2300 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व। रंगपुर संस्कृति 1700 से लेकर 1400 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व। तो ये टोटल आपका है। तो कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व। आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। प्रभास संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व। और सवालदा संस्कृति 2300 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व। रंगपुर संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व। और जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व। ठीक है, तो कायथा संस्कृति जो है आपका चंबल नदी के क्षेत्र में पड़ता है। तो आपका कायथा संस्कृति कहाँ पड़ता है? तो चंबल नदी के क्षेत्र में, जो कि आपका मध्य प्रदेश राजस्थान के पास में है। मालवा संस्कृति नर्मदा नदी के क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र के पास में। मालवा संस्कृति आहार संस्कृति राजस्थान के उदयपुर में है। प्रभास संस्कृति गुजरात के तटीय क्षेत्र में। तो प्रभास संस्कृति आपका गुजरात के तटीय क्षेत्र में। सवालदा संस्कृति महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र में है। रंगपुर संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र में। और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र का दैमाबाद और इनामपुर में आपका स्थित था। ठीक है, तो आपका गुजरात में प्रभास संस्कृति और रंगपुर संस्कृति था। तो प्रभास रंगपुर, ठीक है, आपका जो है
ये संस्कृति गुजरात में, सवालदा संस्कृति आपका जो है और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। तो सवालदा संस्कृति महाराष्ट्र का धोलिया में और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र का दामाबाद इनाम गांव में। आहार संस्कृति राजस्थान के उदयपुर में, कायथा संस्कृति चंबल नदी के क्षेत्र में और मालवा संस्कृति नर्मदा नदी के क्षेत्र में है, ठीक है। तो कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व चंबल नदी के क्षेत्र, मालवा संस्कृति 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व नर्मदा नदी के क्षेत्र, आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व राजस्थान के उदयपुर, प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व गुजरात का तटीय क्षेत्र, सवालदा संस्कृति 2300 से लेकर 2000 ईसा पूर्व महाराष्ट्र का ध्रुवीय क्षेत्र, और रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व गुजरात का तटीय क्षेत्र, और जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व महाराष्ट्र का दामाबाद व इनाम गांव, ठीक है। लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने का कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। तो आपका जो है लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने का कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व, तो आपका ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व क्या पढ़ते हैं, तो ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकांश लोग तांबे का पिघलाने की कला जानते थे। तो ताम्रपाषाण अवस्था का मत, तो ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें अधिकांश लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे, और चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग हैं, जो खाना पकाने व खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृदभांडों का प्रयोग करते थे। तो लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग जो है चाक पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे, और चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग हैं, जो खाना पकाने व खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृदभांडों का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोग यही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए, और ये पश्चिमी भारत में जौ गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे, तथा इनके साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। तो सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोग नहीं सब प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए, और ये पश्चिमी भारत में जौ गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे, तथा इनके साथ मांस मछली भी खाते थे। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। तो मध्य प्रदेश में आपका जो है ताम्रपाषाण काल में कायथा और एरन तब पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां जो थी आपका किलाबंद थी, ठीक है, चारों ओर से किला से घिरी हुई थी, और सबकी संस्कार विधियां भी भिन्न थी। तो सबकी जो है आपका संस्कार विधियां भी अलग अलग थी। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूरा पश्चिम दिशा में रखा जाता था। तो सब की संस्कार विधियां भी भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूरा पश्चिम दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान प्रचलित था। तो पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान प्रचलन में था, ठीक है। ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा था, और ये लोग तांबे में टीन को मिश्रित कर कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। तो ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी, और तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा था, और ये लोग तांबे में टीन को मिश्रित कर कांसा बनाने नहीं जानते थे, जो तांबा से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था, ठीक है। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे। तो ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। तो अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता की बात की है, ठीक है। ताम्र निधियां और मृदभांड अवस्था, तो अगला टॉपिक हमारा है ताम्र निधियां और मृदभांड अवस्था कैसी थी। तो 40 से अधिक ताम्र निधियां ताम उपकरणों के जखीरे प्राप्त हुई है, जिनमें अंगूठी सेलट कुठारी खड़ग हारपून फूल आदमी जैसे मूर्तियां आदि वस्तुएं हैं। तो
40 से भी अधिक ताम्र निधियां ताम उपकरणों की जखीरे प्राप्त हुए हैं, जिनमें अंगूठी, सलट, कुठारी, खड़ग, हारपुन, सूल आदमी जैसी मूर्तियां आदि वस्तुएं हैं। ये ताम्र निधियां पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक के तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई है। तो आपका जो है ताम्र निधियां जो है ये ताम्र निधियां पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से विशाल भूभाग में बिखरी पाई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के मुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पतली सीट है। तो सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के मुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पतली सीट प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आपका है दक्षिण भारत लौह युग, तो हम आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसी चैप्टर में दक्षिण भारत का लौह युग। तो आपका आयरन एज आपका साउथ इंडिया का कैसा था, ठीक है। तो आपका जो है जिस समय आपका नॉर्थ इंडिया में ताम्रपाषाण कालीन चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में लौह युग चल रहा था। तो दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ और समय का यह अनुमान हल्लूर में प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन, हल्लूर आपका शायद कर्नाटक आंध्र प्रदेश में था, रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। तो दक्षिणी भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ और समय का यह अनुमान हल्लूर में प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र में अनेक ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां जैसे आपका जो है हल्लूर, पयमपल्ली आदि में ऐसी ही स्थिति थी। उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र में अनेक ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां जैसे हल्लूर, पयमपल्ली आदि में ऐसी ही स्थिति थी। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिकलीहल और हल्लूर की खुदाई में एवं संभवतः ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक के शब्द अपनाने व गद्यों के आधार पर निश्चित किया गया है। तो दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिकलीहल और हल्लूर की खुदाई एवं संभवतः ब्रह्मगिरी एक शब्द अपनाने व गद्यों के आधार पर निश्चित किया गया है। इन सावधान के गद्यों में पहली बार लोहे की वस्तु में काले रंग लाल वृद्धवान तथा फीके रंग भूरे रंग एवं लाल भूरे एवं लाल वृद्धभांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इन शब्दांत के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तु में काले एवं लाल वृद्धभांड तथा फीके रंग भूरे एवं लाल वृद्धभांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है तो सामान्यतः इसका दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से होता है। तो महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है तो सामान्यतः इसका दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से होता है। महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ, तो एक आपका है मेगालिथ था, ये आपका मेगालिथ है, ठीक है। मेसोलिथिक था जो कि आपका मिडिल एज था, ठीक है। और ये आपका जो है महापाषाण है जो कि दक्षिण भारत में है। तो महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर है। मेगालिथ शब्द दो शब्दों मेगावलिथ से मिलकर बना है। तो महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर है। मेगालिथ शब्द दो शब्दों मेगावलिथ से मिलकर बना है। मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास वलिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। तो मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास वलिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों स्मारकों से है। तो मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों स्मारकों से है। कर्नल विनोद चलर, तो कर्नल विनोद चलर ने 1851 और 1862 एडी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया है। तो कर्नल विनोद चलर ने 1851 ईस्वी और 1862 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया है। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर रुई ने 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य तमिलनाडु के तिरुनवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदि चलन
चन्नलूर तथा 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी के बाद पेरुम्बर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। पुरातत्वविद मार्टिन मिलर ने 1947 में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी का उत्खनन कराया। तो पुरातत्वविद अलेक्जेंडर री ने 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बाद तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में तामरपर्णी नदी के तट पर स्थित आदि चन्नलूर तथा 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य पेरुम्बूर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। पुरातत्वविद मार्टिन मिलर ने 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया। हम पढ़ेंगे आपका महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ। तो महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। तो महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तान में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र, नागपुर के पास, कर्नाटक, मास्की, आंध्र प्रदेश, नागार्जुनकोंड, तमिलनाडु आदि, चन्नलूर और केरल में पाई गई है। तो दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र, नागपुर के पास, कर्नाटक, मास्की, आंध्र प्रदेश, नागार्जुनकोंड और आपका तमिलनाडु आदि, चन्नलूर और केरल में पाई गई है। भौतिक संस्कृति, तो आपका जो है भौतिक संस्कृति क्या था? तो बर्तन, तो बर्तन में क्या था? तो बर्तन कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले एवं लाल विद्यमान है। विशिष्ट बर्तनों में चिचड़ी, तस्तरी, प्याले, तहरे प्याले, झोपड़ी, कुल आधार वाले तथा कुंड के आकार वाले हैं। तो बर्तन में क्या था? कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले एवं लाल विद्यमान है। विशिष्ट बर्तनों में चिचड़ी, तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले, जो कि कुल आधार वाले तथा कुंड के आकार वाले हैं। इनके ऊपर दस्ता तथा घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाले पानी के बड़े मटके हैं। तो इनके ऊपर दस्ता तथा घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाले पानी के बड़े मटके हैं। लोहे एवं अन्य धातुओं की वस्तुओं का विस्तार महापाषाण युग के सभी स्थलों विदर्भ, मध्य प्रदेश में नागपुर के समीप चूना पानी से लेकर दक्षिण में आदि चन्नलूर तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप से पाई गई है। तो लोहे एवं अन्य धातुओं की वस्तुओं का विस्तार महापाषाण युग के सभी स्थलों विदर्भ, मध्य भारत में नागपुर के समीप चूना पानी से लेकर दक्षिण भारत में आदि चन्नलूर तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप से पाई गई है। लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चपटी लोहे की कुल्हाड़ियां से पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता था। उभरे हुए चपटे किनारे के विभिन्न फावड़े, बेलचे, खुरपी, कुदाले, हंसिया, फरसे और फान, सब्बल, बर्छे, छुरे, छेनी अथवा बसूले, तिपाइयां, बर्तन के स्टैंड, तस्तरियां, लटकाने वाले लैम, कटारे, तलवारें, जिनमें से कुछ के दस्तों में कांस के आभूषण जड़े हैं, तीर के फलक तथा बर्छे के फलक जिनके पास खोखले हैं, विशेष अवसरों के लिए सीप, जड़ी, कुल्हाड़ियाँ, लोहे के त्रिशूल आदि हैं। तो लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चपटी लोहे की कुल्हाड़ियाँ जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता था, उभरे हुए चपटे किनारे के विभिन्न फावड़े, बेलचे, खुरपी, कुदाले, हंसिया, फरसे और फान, सब्बल, बर्छे, छुरे, छेनी अथवा बसूले, तिपाइयाँ, बर्तन के स्टैंड, तस्तरियाँ, लटकाने वाले लैम्प, कटारे, तलवारें जिनमें से कुछ के दस्तों में कांस के आभूषण जड़े रहे, तीर के फलक तथा बर्छे के फलक जिनके पास खोखले हैं, विशेष अवसरों के लिए सीप, जड़ी, कुल्हाड़ियां, लोहे के त्रिशूल आदि हैं। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस की घटियां पाई गई है। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस की घंटियां पाई गई हैं, जो कि घोड़े अथवा गाय, बैलों की घंटियों के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होगी। सोने अथवा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका है सावधान विधियां, तो आपका आखिरी है। सबसे पहला आपका है सावधान विधियां में आंशिक सावधान। इसमें क्या होता था? तो महापाषाण संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक सावधान किया जाता था। दक्षिण भारत से मिले अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। तो महापाषाण संस्कृतियों में अधिकांश मृतकों का आंशिक सावधान किया जाता था और दक्षिण भारत से मिली अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों के दफनाने के प्रमाण मिले हैं। पूर्ण सावधान, तो नागार्जुन कोंडा, मास्की आदि, चन्नलूर, तो पूर्ण सावधान नागार्जुन कोंडा, मास्की आदि, चन्नलूर आदि से पूर्ण सावधान के उदाहरण मिले हैं। और पूर्ण सावधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम में अर्थात सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर उनका दफनाया जाता था। मृतक बच्चों को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों कलशों में भरकर दफनाया जाता था, जिसे कलश सावधान कहा जाता है। ठीक है,
तो पूर्ण सावधान में कहाँ होता था, तो नागार्जुनिकोण, मास्की, आदि चनेलूर, आपका जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, तो नागार्जुनिकोण, मास्की, आदि चनेलूर आदि से पूर्ण सावधान के अवधारण मिले। पूर्ण सावधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम अर्थात सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर कर दफनाया जाता था। मृतक बच्चों को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े बड़े घरों कलशों में बरकर दफनाया जाता था, जिससे कलश सावधान कहा जाता है। अंत्योष्टि सामग्री, अंत्योष्टि सामग्री जो है, अंत्योष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। अंत्योष्टि सामग्री या तो कब्र में सबके साथ रखी गई है या कब्र के बाहर स्मारक के पास रखी गई है। तो अंत्योष्टि सामग्री जो है, अंत्योष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। अंत्योष्टि सामग्री या तो कब्र में सबके साथ रखी गई है या कब्र के बाहर स्मारक के पास रखी गई है। ठीक है, इस प्रकार हमारा देखा आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। तो आज के लिए बस इतना ही, कलम पढ़ेंगे आपका हड़प्पा सभ्यता, तो आज का चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है।